आज निवेश से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के डायरेक्टर धवल कपाड़िया। धवल, स्वागत है आपका। योर मनी में आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जो बदले हुए ट्रेंड है उन पर सबसे पहले फोकस करेंगे। दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम लेंगे ही शो में आगे, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि समय बदलता है, ऐसे में लोगों की सोच बदलती है, आपके लाइफस्टाइल्स बदलते हैं, आपका कमाई का स्रोत भी बढ़ता है, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। वैसे में जो हमारे पुराने नियम है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वक्त आ गया है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए, थोड़ा नयापन हम लाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जरूरत है, नीड ऑफ द आवर हम कह सकते हैं एक तरह से है। बेसिक थंब रूल्स की मैं यहां बात करना चाहती हूं जिनमें हमें सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। सबसे पहला नियम मेरे ख्याल से हम अगर पकड़कर चलना चाहें तो आपके मुताबिक मुझे ये बताएं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आप अगर टर्म कवर खरीदते हैं तो वो आपकी आय का 100 गुना ज्यादा होना चाहिए, इन सब में बदलाव किस तरह से लाया जाए और कैसे एक एक करके हम इन तमाम चीजों को अपनी फाइनेंशियल रणनीति में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, जो पहली चीज जो आपने कही जैसे इमरजेंसी फंड, वो तो बिल्कुल जरूरी है एक मेंटेन करना। जो नॉर्मल थंब रूल यूज करते हैं लोग के अराउंड 3 to 6 months या 3 से 6 महीने की जो आपके एक्सपेंसेस है उसे अलग से आप एक फंड में या कहीं आप लिक्विड फंड में या सेविंग्स अकाउंट में आप मेंटेन करके रखे, तो वो एक मैंने वैसे ठीक ही है, मैंने यू कैन मे बी एक्सटेंडेड टू 6 to 9 months। इसमें जरूरी ये चीज है कि कल समझ लीजिए ऐसे कोई टाइम आए जैसे आपकी इनकम जो है या आपकी जॉब जो है उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी हो, तो फिर वो इमरजेंसी फंड काम आ सकते हैं। उसके साथ ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड के साथ वो सब आपकी सब रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर सकते, जैसे मेडिकल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए फिर आपको मेडिकल क्लेम वगैरह लेना, मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है 6 to 9 months के जो हम फंड्स बोल रहे हैं वो सिर्फ आपके जो डे टू डे या रेगुलर जो आपके एक्सपेंसेस है वो हिसाब से आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना बिल्कुल जरूरी है। ऑलराइट, एक एक करके हम इन बदले हुए नियमों से आपको रूबरू करवाएंगे और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं धवल, रिटायरमेंट की अक्सर हम बात करते हैं, आपका सबसे पहला लक्ष्य जीवन का होना चाहिए कि रिटायरमेंट के लिए हम पैसे साइड में रखना शुरू करते हैं। अब उसमें भी बदलाव हो गया है, 10% की बजाय उस निवेश को आप 20% बढ़ाइए, आपको ये सलाह दी जा रही है एज पर द न्यू फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रेंड्स, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं रिटायरमेंट के बारे में ये कहूंगा कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रिस्क है जो करंट जनरेशन के लिए है जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ लॉन्जिटिविटी, जो आपकी जो लाइफ स्पैन है, क्योंकि अभी मेडिकल जो साइंस है वो काफी इंप्रूव हुई है तो इसलिए काफी लोगों की जो पहले हम अज्यूम करते थे कि एवरेज जो लाइफ स्पैन है 70-75 years के आसपास होगी, आज की तारीख में भी देखेंगे तो एवरेज तो वही बोलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो मेडिकल साइंस के इंप्रूवमेंट से बाय द टाइम वी गेट ओल्ड, मतलब जब हम थोड़े मैंने रिटायरमेंट के आसपास आएंगे तो मेडिकल साइंस और भी इंप्रूव हो जाएगी, तो इसलिए जो रिस्क है कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है, बढ़ सकता है बिल्कुल। तो उसमें जो रिस्क है आप फिट रहेंगे, बिल्कुल आप फिट रहेंगे, आपके पास कॉर्पस ज्यादा होना चाहिए और मेरे ख्याल से कमाई का जरिया भी आपके पास होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि आप 60 के बाद रिटायर होने के बाद कुछ नहीं करना चाहें, अगर आप फिट हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन वो जो उसकी उस पर डिपेंड रहना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। तो आपको जो कॉर्पस क्रिएट करना है, यू शुड, जो टाइम पीरियड के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा लंबा समय और पकड़ के, समझ लीजिए 60 में रिटायर हो रहे तो यू हैव टू प्लान एटलीस्ट फॉर अदर 25-30 years, रादर देन जस्ट मैंने सिर्फ 10-15 साल के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरा एक गोल्डन रूल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो एक फॉर्मूला अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स देते हैं अदरवाइज, वो ये होता है कि आप अपनी उम्र को 100 में से घटा लीजिए, उतना परसेंट जो है आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। लेकिन जैसा कि क्योंकि आपने हमें लाइफ स्पैन में लॉन्जिटिविटी का एग्जाम्पल दिया है, समझाया है उसे, तो ऐसे में इक्विटी में निवेश को लेकर भी अब हमें ज्यादा मेरे ख्याल से निवेश तो एग्रेसिव भी आपको करना ही चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब बदलाव इसमें आना चाहिए, इसको ऑल्टर करना चाहिए? ये जो फॉर्मूला है वो एकदम थंब रूल के जैसे, मतलब वो सिर्फ एकदम बेसिक है, उसमें काफी सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, लेकिन ज्यादा करके हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जो आपके पास टाइम होराइजन लंबा हो तो फिर आप मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ लीजिए आप इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर, आपकी 25 या 30 साल की आयु है तो आप
कम से कम 80-90% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay. थोड़ा उसको प्लस माइनस 10% कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है. लेकिन एक और चीज जो जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद काफी लोग सोचते हैं कि अभी रिटायर हो गए तो मतलब कंप्लीटली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए, तो वो भी गलत है क्योंकि हाँ क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है. तो जो डेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली इन्फ्लेशन वो इन्वेस्टमेंट तो वैसे सेफ रहती है कैपिटल के हिसाब से, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है ज्यादा करके. तो इसीलिए आप रिटायरमेंट में भी एटलीस्ट 25-30% इक्विटी में इन्वेस्ट बिल्कुल कर बिल्कुल सकते करना चाहिए. लेकिन जो हम 50-20-30 के रूल की बात अक्सर करते हैं कि आपको इतनी इतना आपको बचाना चाहिए, इतना आपको निवेश करना चाहिए, अब उसमें भी बदलाव का समय आ गया है. शायद पहले आप कमाइए, उसके बाद आप निवेश कीजिए और बाकी बचा हुआ आपको सेव करना है. लेकिन वो सेव में भी अब इजाफा सेविंग में भी इजाफा होना चाहिए. बिल्कुल, जैसे हमने कहा जैसे एक मेन गोल काफी लोगों के लाइफ में जो रहता है रिटायरमेंट गोल रहता है. काफी लोग आज की तारीख में भी उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, सोचते हैं कि देखेंगे अभी जब रिटायर होंगे तभी देखेंगे. लेकिन वो सही वो थिंकिंग सही नहीं है. तो इसके बावजूद आपको रादर देन दैट आपको ये फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आयु बढ़ रही है लोगों की आज की तारीख में, तो फिर वो हिसाब से आपको लंबे पीरियड के लिए प्लान करना है. तो इसलिए फिर सेविंग भी बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आप कॉर्पस अटेन कैसे कर पाएंगे जो आपको 20-25 साल सस्टेन करे आफ्टर रिटायरमेंट. तो इसलिए सेविंग जो जैसे आपने कहा 10-15% कम पड़ जाएगी, कम से कम 20-30% आपको टारगेट करना चाहिए. इसलिए बिल्कुल जो लाइफस्टाइल नीड्स है वो थोड़ी कम करनी चाहिए. ऑलराइट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका लाइफ कवर, क्योंकि हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या 100 गुना टर्म कवर आपकी आय का लेना सही है, या आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा हमें 10 गुना माफ कीजिएगा 10 गुना आपको क्या उसको और बढ़ा देना चाहिए? मेरे हिसाब से लाइफ कवर में जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके डिपेंडेंस कितने हैं. तो आज की तारीख में ऐसे भी होता है कि जो कपल्स होते हैं तो दोनों बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, तो वो हिसाब से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है. तो डिपेंडेंस के ऊपर भी ये आधार करता है कि आपके घर में कितने फाइनेंशियली डिपेंडेंट फैमिली है. ऐसे में क्या सभी के लिए टर्म कवर लेना जरूरी होगा अगर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर? क्योंकि अब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं धवल, तो बहुत सारे लोग मैरिजेस को लेके काफी नया ट्रेंड है एंड लोगों को सोलो रहना ज्यादा पसंद है, तो ऐसे में आपके ऊपर फाइनेंशियली डायरेक्टली कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, तो टर्म कवर क्या तभी ही है जब आपके ऊपर आर्थिक तौर पर कोई जिम्मेदारी आ जाए, या आपको लगता है कि कम उम्र में आपको कम देना पड़ेगा प्रीमियम तो आप ले ही लो? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि करंटली समझ लीजिए आप कोई अकेला रह रहे हैं, सोलो रह रहे हैं, लेकिन आगे चल के समझ लीजिए 5-10 साल में उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए और उन्हें और किसी के साथ रहने लगे, तो वो हिसाब से टर्म इंश्योरेंस की जरूरत तो पड़ ही सकती है तभी. तो एक मिनिमम कवर लेके रखना बेहतर होगा, क्योंकि जैसे एज एडवांस होती है तभी कवर लेना और डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभी कोई इलनेस या कोई ऐसे डिजीज आ गई तो फिर उससे फिर प्रीमियम भी काफी बढ़ जाता है. तो एक मिनिमम कवर मेरे हिसाब से लेना जरूरी है, लेकिन जो बढ़ाने की बात है वो डिपेंडेंस के ऊपर निर्भर करता है कि कितने डिपेंडेंट है आपके फैमिली में. आखिर में जो थंब रूल होता है मेडिकल कवर के लिए वो 3 लाख से बढ़ाकर सीधा सीधा आपको 10 लाख कर देना चाहिए, आपका बेसिक मेडिकल कवर होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज इतने बढ़ रहे हैं, लाइफ स्पैन तो बढ़ ही रहा है, तो वो हिसाब से मेडिकल जो कवर है वो ज्यादा लेके रखना ही बेहतर है. ऑलराइट, तो नए ट्रेंड के हिसाब से ये है वो अहम बदलाव फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपको फॉलो करने हैं और लागू भी करने हैं अपने पोर्टफोलियो में. लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, लेंगे उनके सवाल. इस बीच अगर आप फेसबुक पर भी हमें देख रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में लाइव अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब. लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का. आप देख रहे हैं लॉर्ड मनी, जहां पर हम दे रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब. मेरे साथ धवल कपाड़िया बने हुए हैं, और सीधा रुख करते हैं हमारे पहले दर्शक की ओर. हमारे साथ सिलीगुड़ी से सुबीर भट्टाचार्य फोन लाइन पर हैं. नमस्कार सुबीर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक है. ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप ठीक हैं सुनकर. मुझे बताइए आपका सवाल क्या है, लॉर्ड मनी से आप क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली आई एम गेटिंग सम maturity in the month of June or July regarding fixed deposit. ठीक है.
After that, I'll get it back from bank. Okay. So, about that, if I'll be aware from the beginning, then I can think about mutual fund. मुझे ये बताइए, आप रिटायर हो चुके हैं सुबीर जी? यस यस यस. ठीक है, तो अभी जो आपको राशि मिलने वाली है उसका आपको तुरंत कहीं पर इस्तेमाल करना है या आप उसे निवेशित रख सकते हैं कम से कम 5 साल के लिए? 5 साल इज टू फार बिकॉज आई एम इनफ ओल्ड एज. आई वांट टू गेट अ शॉर्ट टर्म इफ एनी. तो आप शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसे पार्किंग करना चाहते हैं, कितनी रकम होगी कुल मिला के? क्या अमाउंट होगा? 1.5 लाख. एक 1.5 लाख है. ठीक है, साथ ही मेरे ख्याल से लिक्विड फंड्स पर भी आप जानकारी चाहते हैं. इंटरेस्टिंग सवाल है, रिटायर हो चुके हैं और इनकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रही है, तो अब ऐसे में क्लियरली रिस्क तो ये इस पैसे से नहीं ले सकते हैं. 5 साल का समय भी शायद वो अपने निवेश को नहीं देना चाहते हैं. शॉर्ट टर्म ऑप्शंस क्या है निवेश के इनके? एक और सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि उनको इसमें से रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो कॉर्पस है वो आप उसमें से कोई आपको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट हो सकती है? एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेगुलर इनकम. ओके, बट इफ देयर इज एनी 91 डेज फोलियो देयर फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड, दैट इज ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड. आई कैन कीप फॉर 91 डेज. ओके ठीक. ओके, तो फिर 91 डेज के हिसाब से तो लिक्विड फंड ही बेहतर रहेगा, तो उसमें काफी ऑप्शंस है. उन्होंने भी एक शायद सजेस्ट किया था आदित्य बिरला लिक्विड फंड जो है वो है IDFC कैश फंड है, तो ऐसे लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना ही उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है विलिंगनेस है वो थोड़ी कम है, तो और पीरियड भी उनके पास शॉर्ट है, 3-4 महीने का पीरियड है, तो लिक्विड फंड में जो इन्वेस्टमेंट है अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी उनकी भी मैच्योरिटी 2-3 महीने के आसपास रहती है, तो वो हिसाब से रिस्क काफी कम हो जाता है. ठीक है, और रिटर्न थोड़ी जो सेविंग्स अकाउंट है उससे थोड़े बेहतर रिटर्न्स इसमें से मिल सकते हैं. ऑलराइट, तो ABSL लिक्विड फंड आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं. ऑलराइट, और उम्मीद करते हैं सुबीर जी कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा. इसी के साथ हमारे एक फेसबुक के दर्शक है अमित सिंह, और इनका सवाल रिटायरमेंट को लेकर है. तो वह ये पूछ रहे हैं रिटायरमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश क्या MPS में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए. बहुत कॉमन सवाल है, अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है, कमाई कहाँ ज्यादा होगी सब यही जानना चाहते हैं, लेकिन जरिया क्या होना चाहिए? हाँ जी, काफी अच्छा सवाल है, मैं भी ये मानता हूँ. आज की तारीख में कुछ बेनिफिट्स जो है एनपीएस के वो मैं बता सकता हूँ. एक तो जो कॉस्ट है अंडरलाइंग जो फंड मैनेजमेंट फीस है वो बहुत ही कम है, तो उससे काफी सारा बेनिफिट मिल सकता है. म्यूचुअल फंड के सामने जो म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज है वो थोड़े उससे ज्यादा है एनपीएस से, तो वो एक बेनिफिट हो सकता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने का. दूसरा एक ये फायदा होता है एनपीएस का कि आप थोड़े डिसिप्लिन रहेंगे. म्यूचुअल फंड में नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा. डिसिप्लिन आप इन्वेस्टमेंट टाइम में डिसिप्लिन हो सकता है. मेरा कहने का ये मतलब था कि काफी बार वो टेम्पटेशन होती है कि मेरा और कोई गोल है और कोई रिक्वायरमेंट है मैं उसमें से विड्रॉ कर लूं, तो वो अवॉइड करने के लिए आप एनपीएस नॉर्मली क्योंकि लॉक्ड इन रहता है तो फिर वो हिसाब से आप ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे विड्रॉल्स के मामले में एटलीस्ट, तो वो एक फायदा हो सकता है. दूसरे टैक्स बेनिफिट्स, एनपीएस भी अगर आप इक्विटी ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करते हैं ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस के मुताबिक भी आपका निवेश म्यूचुअल फंड्स में ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि एनपीएस में निवेश कहीं और होता है. लेकिन उसमें एक चीज जो है कि एनपीएस में एक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का वो एक कैप रहता है, तो उसमें आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अलग अलग फिर इक्विटी डेट फिर आज की तारीख में तो उन्होंने अल्टरनेट्स का भी ऑप्शन स्टार्ट किया है जिसमें से आप जो अल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी आप इन्वेस्ट एलोकेशन दे सकते हैं, और लेकिन हर चीज जो हर एक एसेट क्लास है उसके लिए एक कैप है. तो रिटायरमेंट एज अ गोल को मैं समझू तो क्या मैं एनपीएस और बाकी म्यूचुअल फंड्स में कंबाइंड रणनीति नहीं बना सकती? अब वो भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास एग्जैक्टली तो उतने रकम हो, लेकिन एक एनपीएस का जैसे मैंने कहा एक मेन बेनिफिट जो है वो एक लो कॉस्ट है, बहुत ही लो कॉस्ट है, और दूसरी जो आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट मतलब विड्रॉल के ऑप्शंस कम है तो वो हिसाब से आप डिसिप्लिन थोड़ा रहेंगे एक आपका रिटायरमेंट तो आपके मुताबिक रिटायरमेंट के लिए सब्सटेंशियल काफी सारा पोर्शन जो है एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मोहम्मद सलीम साहब है. नमस्कार. नमस्कार, हाँ जी पूछिए, आपका सवाल क्या है?
मैंने कुछ एक डिटेल तो भेजा था। हाँ बिल्कुल, आप रिटायर होने वाले हैं कब? अभी तो आप 54 साल के हैं। ओके जी जी, अच्छा 54 ईयर्स है अभी। ओके ओके जी, तो आपको अपनी बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए चाहिए 2026 तक, और पढ़ाई के लिए आपको 8 लाख रुपए जमा करने हैं। पढ़ाई के लिए आपको ये 8 लाख की रकम कब तक चाहिए होगी? एक्चुअली इस वक्त वो हाई स्कूल कर रही है, मतलब जस्ट पहुंची है 10th के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट 4-5-6 ईयर्स तक उसकी स्टडी चालू रहना है। ठीक है, जो आपने तीन फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं सलीम साहब, ये कब से आप निवेश कर रहे हैं इनमें? इसके अंदर ये क्या नाम है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है, इसके अंदर मेरा 2015 अक्टूबर से हैगा। ठीक है जी, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है वो 2011 से है, और 2000 की SIP है उसके अंदर मेरी जी। चलिए ठीक है, बताते हैं कि आपके लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। फिलहाल जो इनकी इन्होंने निवेश की हुई राशि है थवल, ये पर्याप्त है उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए? पहला पढ़ाई के लिए जो इनको रकम चाहिए 4-5 साल के बाद ही, क्या उस इस निवेश से वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। Okay. बिल्कुल पूरी हो सकती है, उनका जो लक्ष्य है वो अचीव कर सकते हैं, जो गोल है। मैं एक दो सवाल सिर्फ उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो रकम तय करी है, जो 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपए फॉर डॉटर्स मैरिज लेटर ऑन, तो वो रकम उन्होंने आज के वैल्यू टर्म्स में लिया है, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया है कि नहीं, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो आज की तारीख में वो देखेंगे तो 8 लाख और जो 15 लाख की उनकी रिक्वायरमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट से वो अचीव कर सकते हैं। Okay. लेकिन वो 15 लाख सही अमाउंट है कि नहीं वो उनको एक तय करना जरूरी है। ओके Okay, सलीम साहब, तो आपने क्या महंगाई को यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर इन किया है? हाँ, थोड़ा सा सोचा, क्योंकि 15 लाख रुपया अगर 5-6 साल के बाद में शादी बेटी की करेंगे तो तकरीबन 15 या प्लस और थोड़े 2-4 लाख और ज्यादा होंगे, तो मतलब 20-25 लाख की जरूरत होगी शादी के लिए। हाँ, के लिए तो 8 लाख रुपया आपको चाहिए। ठीक जी 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 जी, कम से कम। हाँ, तो अमाउंट बढ़ जाएगा तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि अभी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उससे जो करंट उनकी उनके जो गोल से 15 लाख के और 8 के वो अटेन कर सकते हैं, लेकिन गोल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो थोड़े इन्वेस्टमेंट्स मेरे हिसाब से हर साल वो SIP का जो अमाउंट है 10% से भी बड़ा है तो करीबन वो यू नो कंफर्टेबली वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो है कि उनकी जो करंट फंड्स के पहले में एक और चीज जो उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ उन्होंने इक्विटी फंड्स इंक्लूड किए हैं, तो उनके एज के हिसाब से एक और चीज जो हमें पता नहीं है कि उनके डेट इन्वेस्टमेंट्स PPF या प्रोविडेंट फंड में और कहीं में है या नहीं है, वो हमें पता नहीं है। समझ लीजिए नहीं है तो थोड़ा बहुत डेट में भी इन्वेस्ट करना उनको जरूरी है। ठीक है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड अगर रेकमेंड कर रहे हैं कि जोड़ना है, और कोटक बैंकिंग एंड PSU डेट फंड आप उनको अगर नहीं है तो आप पोर्टफोलियो में ये फंड डालने की सलाह दे रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में आप कह रहे हैं कि इनको निवेश कम कर लेना चाहिए। तो फंड तो बढ़िया है, सिर्फ इतना है कि उसमें जो उनका एलोकेशन जो SIP का अमाउंट जा रहा है वो काफी थोड़ा पोर्टफोलियो में थोड़ा हायर लग रहा है, है? तो थोड़ी SIP उसमें से कम करें। वैसे तो वो रिस्क कैपिटाइट पे भी डिपेंडेंट है उनके, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी जो एज के हिसाब से उनकी थोड़ी रिस्क कैपिटाइट कम होगी। Okay. तो इस HDFC मिड कैप में कम करके एक लार्ज कैप फंड जो मेरे एसेट इंडिया इक्विटी है वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट सलीम साहब, आपको तुरंत प्रभाव से ये बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके गोल्स बहुत अहम है एक तो, और दूसरा वो बस काफी नजदीक भी है, खासतौर से बेटी की पढ़ाई का जो आपका लक्ष्य है। रुक दो ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे। वक्त आ गया है शो का आखिरी सवाल लेने का। फेसबुक के दर्शक दिनेश कुमार जी का सवाल मैं लूंगी, जिन्हें लगभग 1.5 साल के लिए आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करना है। दोनों में से किस में आपको लगता है कि उन्हें पैसे पार्किंग कर लेना चाहिए? जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं अप टू होराइजन ऑफ अबाउट 6-12 महीने, 6 से 12 महीने की जो टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ठीक है। उनके पास 1.5 साल का टाइम पीरियड है तो मेरे हिसाब से वो फिक्स मेच्योरिटी प्लान, नहीं तो फिर बैंकिंग एंड PSU फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. जैसे कि कोटक बैंकिंग एंड PSU फंड है या SBI बैंकिंग एंड PSU फंड है, तो 1.5 साल के पीरियड के हिसाब से वो और वो लॉक इन कर सकते हैं, तो फिर फिक्स मेच्योरिटी प्लान भी
ठीक है आजकल जो रेट्स है वो भी थोड़े हायर है पोर्टफोलियो, लेकिन ट्रिपल ए रेटेड मैंने पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो कौन सी एफएमपी खुली है शायद उस पर उनको रिसर्च करना होगा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके आप उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम शो को समाप्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए धवल और